नमस्कार, मैं अभिषेक गोस्वामी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग वीडियो में। आज 12 नवंबर यानी कि छठ पूजा का दूसरा दिन है और आज मेरा पूरा दिन फास्टिंग है, ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, और इसलिए मैं आज लेट से सोकर उठा हूं। करीब 8 बज रहे होंगे और ये मेरी बेटी शानवी है। तो आज काफ़ी सारा काम है, छठ घाट की सफाई करनी है और मार्केट जाना है, बच्चों के लिए कपड़े लाने हैं और घर के लिए कुछ सामान लाना है। तो कल का वीडियो मैं आप सभी को नहीं दिखा पाया, कल काफ़ी व्यस्तता थी। कल का दिन ये है, कल का नियम ये है कि छठ पूजा की शुरुआत गंगा स्नान करके शुरू होता है और उसके बाद कद्दू की सब्जी खाना अनिवार्य होता है, चावल दाल पकौड़ी और कद्दू की सब्जी खाकर छठ पूजा की शुरुआत होती है। तो कल हम लोगों ने भी खाया था कद्दू की सब्जी और आज पूरा दिन मेरा फास्टिंग है। शाम को मुझे प्रसाद के रूप में खीर मिलेगा जिसे खाकर आज का व्रत तोड़ना होगा और उसी समय खीर खाकर अगले दिन की फास्टिंग की शुरुआत करेंगी मेरी वाइफ। नियम तो ये है कि एक ही लोग दोनों दिन फास्टिंग करते हैं, लेकिन अगर कोई दोनों दिन फास्टिंग नहीं रख सकता तो एक दिन वाइफ और एक दिन हस्बैंड रख सकते हैं, ऐसा नियम है। तो आज का दिन मेरा फास्टिंग है, कल का दिन मेरी वाइफ का फास्टिंग है और कल शाम को हम लोग छठ घाट पर जाएंगे और सूर्य देवता की, डूबते सूर्य की पूजा होगी और फिर उसके अगले दिन मॉर्निंग में हम लोग छठ घाट पर जाएंगे और उगते सूर्य की पूजा होगी। तो अभी हम लोग बाजार से वापस घर को जा रहे हैं, मेरा भांजा और ये मेरा भतीजा है और अभी मेरा बेटा यहाँ सो चुका है और ये मेरी बेटी और भतीजा, ये सारे लोग सो चुके हैं बाजार से। बाजार में लंबा ट्रैफिक जाम था, सब लोग गाड़ी में बैठे बैठे थक गए थे। सबकी खरीदारी हो गई, सबके कपड़े ले लिए हमने। दोपहर के 3 बज रहे हैं और अब मुझे हल्की हल्की प्यास लग रही है, चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। अब इंतज़ार है कि जल्दी से सूर्यास्त हो और हमें प्रसाद के रूप में खीर मिले। शाम को जब सूर्यास्त होती है तो उसके बाद से प्रसाद बनता है खीर का और उसी प्रसाद से अपना उपवास जो होता है, फास्टिंग तोड़ना पड़ता है। और नियम तो ऐसा है छठ में कि एक ही व्यक्ति को दोनों दिन फास्टिंग रखना पड़ता है, लेकिन अगर कोई अगर नहीं रख सकता तो एक दिन हस्बैंड और एक दिन वाइफ रख सकते हैं। तो आज शाम को मेरी फास्टिंग ख़त्म होगी और उसी समय से मेरी वाइफ की फास्टिंग शुरू होगी और कल शाम को हम लोग घाट पर जाकर पूजा करेंगे डूबते हुए सूर्य की और उसके अगले मॉर्निंग उगते हुए सूर्य की पूजा होगी और उसके बाद से 4 दिनों तक चलने वाली छठ पूजा की समाप्ति होगी। तो मैं यहाँ पे छठ माता की सफाई के लिए पहुँचा हुआ था घाट पे। आप पीछे में देख रहे होंगे कुछ लोग सफाई कर रहे हैं और मिट्टी भर रहे हैं। हम लोग की जो छठ माता है अभी यहाँ पे सफाई नहीं हुई है और अभी शाम होने को है, इसलिए अभी सफाई करना पॉसिबल नहीं है। अब मेरे ख्याल से कल सुबह से ही लगना पड़ेगा सफाई काम में। कल शाम को हमें छठ घाट पे आना है, कल सुबह में भी सफाई होगा तो चलेगा। प्यास लगा है, मुंह धोने से प्यास चला जाएगा। कुली कर लें? हाँ कर लीजिए। थोड़ा भी नहीं किया जाता है? नहीं, तो करवा चौथ का बदला हो गया। करवा चौथ का बदला आज निकाल लेते हैं। थूकिए? नहीं, नहीं। पूरा सर कर रहा है। चलो कल तुम्हारा रहेगा। कल भी मेरा ही रहेगा? नहीं, कल मेरा रहेगा। कितने बजे मिलेगा प्रसाद? लगभग 7 बजे बन रहा है।
अभी नहीं, अभी सफाई पर चल रहा है। बनाओ, अब तो सूर्यास्त हो रहा है। ए भाई, जिस दिन फास्टिंग हो उस दिन अच्छा अच्छा खाना नहीं बनाना चाहिए। हो क्या बना रही हो? ये कौन सी इतना महक रहा है? फास्टिंग हो तो महका महका के कुछ नहीं ना बनाया जाता है। तो अभी सूर्यास्त हो चुकी है और प्रसाद बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रसाद घर से बाहर जो हमेशा चूल्हा यूज में होता है उस चूल्हे पे नहीं बनाया जाता है, अलग मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता है और बनता है आम की लकड़ी पे प्रसाद को बनाया जाता है। और आज दातुन भी आम की लकड़ी का किया जाता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि प्रसाद कैसे बनता है, कहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे ईंटे के चूल्हे पे आप देख रहे हैं प्रसाद बनाया जा रहा है। दूध में चावल और गुड़ मिला के खीर बनाया जाएगा। मेरे भाभी हैं और अभी प्रसाद बना रही हैं घर के पीछे ईंटा का चूल्हा बना के। आज के दिन नमक नहीं खाया जाता है, केवल मीठा भोजन ही होता है। खीर के रूप में प्रसाद मिलता है।